तो आप लोग कैसे हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। ये जो वीडियो रहने वाली है ये पैरासेफ कमांडो भर्ती को लेके रहने वाली है। इस वीडियो में पूरी अपडेट बताने वाला हूँ कि क्या आपकी एज लिमिट रहती है पैरा कमांडो भर्ती होने के लिए, कैसे आप पैरा कमांडो में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, आपको क्या करना होगा, फिजिकल क्या रहने वाला है, उसको लेके सारी अपडेट इस वीडियो में रहने वाली है। तो इस वीडियो को जल्दी से कर देना लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियली नोटिस पे ले चलता हूँ जो कि पैरा कमांडो भर्ती रैली के अकॉर्डिंग रहता है और उसमें आपका क्या फिजिकल रहने वाला होता है। तो डायरेक्ट सबसे पहले मैं आपको फिजिकल पे ले चलता हूँ और उससे रिलेटेड पूरी डिटेल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एज लिमिट, क्वालिफिकेशन सब चीज़ बताऊँगा और इसके लिए ये भी बताऊँगा कि आपका रिटन एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूँ जो कि पैरा कमांडो प्रोसीजर फॉर पैरासेफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है। इसमें पूरी डिटेल दे रखी है कि आप पैरा कमांडो में कैसे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो और पैरा कमांडो की डायरेक्ट एंट्री के लिए आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसको लेके सबसे पहले अपडेट देता हूँ। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है पैरा कमांडो की डायरेक्ट एंट्री में, वो चीज़ है फिजिकल। फिजिकल स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती है जो कि आपको क्लियर करनी होती है। फिजिकल इसका 100% आपको क्लियर करना पड़ता है वरना आप क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो जैसा कि मैं आपको फिजिकल दिखा देता हूँ कि फिजिकल में आखिरकार रहने क्या वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ पैरासेफ का जो ये नोटिस है, इसमें आप देख सकते हो। आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, सक्सेसफुल एन एलिजिबल कैंडिडेट दोज अटेनिंग 100% मार्क्स इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो आपको यहाँ पे ये वाली लाइन दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन से आप कंफर्म हो जाओगे कि 100% जो मार्क्स आपके फिजिकल फिटनेस में चाहिए होते हैं तभी आप जो पैरासेफ कमांडो के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई हो सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंट्री के लिए बता रहा हूँ कि फिजिकल में आपको 100% मार्क्स चाहिए होते हैं। वहीं बात करें, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर रिटन एग्ज़ाम होता है, तो रिटन एग्ज़ाम भी आपका कन्फर्मली होता है जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो 50% मार्क्स इन रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होता है उसमें आपको 50% मार्क्स क्वालिफाई करने होते हैं ताकि जो आपके पैरासेफ कमांडो का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपको सबसे पहले ये दोनों चीज़ें बता दी है कि आपको सबसे पहले तो फिजिकल आपको 100% आपको मार्क्स अटेंड करने होंगे और 100% आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें 50% मार्क्स एलिजिबल करने होंगे। उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका जो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा जो कि पैरा रेजिमेंटल सेंटर ARO के द्वारा आपको डिस्पैच किया जाएगा। अब बात करें कि इसमें जो फिज़िकल क्या रहता है, तो फिज़िकल बहुत ही हार्ड होता है जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। फिज़िकल ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले फिज़िकल में आपकी जो ये है 4 से 5 चीज़ें होती है, ये टोटल 5 चीज़ें हैं आपकी फ़िज़िकल में। तो फिज़िकल में सबसे पहला जो रहता है वो 5 किलोमीटर रनिंग रहती है जो कि 20 मिनट में आपको क्लियर करनी होती है। अब बात रही सेकंड में, तो चिनअप्स लगाने होते हैं आपको 14। नॉर्मली आप सभी को पता है कि चिनअप्स इंडियन आर्मी में 10 लगाए जाते हैं बट यहाँ पर आपको 14 लगाने पड़ते हैं। इसमें जो क्वालिफाई करने की ये जो जितने भी फिज़िकल स्टैंडर्ड है सबको क्वालिफाई करना कंपलसरी है वरना आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। पुशअप्स की बात करें 1 मिनट में 40 रैप्स करने होते हैं। सिटअप की बात करें जो कि आपके इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में सिटअप्स तो नहीं होते बट अगर किसी बच्चे ने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया हो तो एयरफोर्स में आपके सिटअप कराए जाते हैं बट इधर सिटअप आपके 2 मिनट्स में 80 रैप करने होंगे। वही पांचवी चीज़ जो शटल में क्या होता है, बैलेंसिंग करनी होती है 70 टाइम्स कराया जाता है जो कि आपको 1 मिनट में करना होता है। वही बात करें, ये सारा तो फिज़िकल का चीज़ हो गया। अब बात करें रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम में आखिरकार क्या पूछा जाता है, रिटन एग्ज़ाम में ऐसे क्या चीज़ रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिटन एग्ज़ाम जितने भी बच्चे देने जाएंगे तो रिटन एग्ज़ाम में जो आपका स्टैंडर्ड होगा वो आपका 12th लेवल का होता है। मिनिमम 12th लेवल का होता है और स्टैंडर्ड पे 10th लेवल का होता है। आपके दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक 10th और 12th। जो 10th और 12th दोनों मिक्सअप होता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके 10th लेवल से होते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके 12th लेवल से होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके मिक्सअप आते हैं। वहीं बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली होती है, कि आप कितने पढ़े लिखे हो कि आप इंडियन पैरासेफ को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं बता दूँ, मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन इसमें रहती है 12th पास मांगी जाती है। 12th पास इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दोनों स्टैंडर्ड का आता है, 10th और 12th दोनों स्टैंडर्ड का पेपर आता है। 12th का बहुत ही कम आता है बट आता है, तो इसलिए आप 12th पास हो तो आपके लिए अच्छा है, आप इसमें आसानी से जा सकते हो इंडियन पैरा ASF की जो डायरेक्ट भर्ती होती है उसमें। अब बात करें कि आप सभी को जब ये भर्ती होती है तो उस दौरान आपको क्या क्या
चीज़ें कराई जाती है और आपकी कैसे जॉब प्रोफाइल रहती है, आपका स्टेटस क्या रहता है। तो मैं बता दूं, जो ये कंप्लीट आपकी जो भर्ती है, ये कंप्लीट सोल्जर पैरा रेजिमेंटल सेंटर के द्वारा ये भर्ती कराई जाती है, जिसमें कि आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये सारे आपके बेनिफिट्स लिखे हैं इस पीडीएफ में। अब बात करें तो सबसे पहले कि आपकी जो फिज़िकल है, वो फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इसे डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए। अब बात करें कि एक तरीका और है इसे ज्वाइन करने का, कि अगर आप किसी भी इंडियन आर्मी के किसी भी ब्रांच में काम करते हो, मान लीजिए आप इंडियन आर्मी का एक हिस्सा हो, तो आपने दो साल की सर्विस के बाद आप इंडियन पैरासेफ रिक्रूटमेंट में आप जा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपकी थ्रू इंडियन आर्मी के थ्रू ये भर्ती है, उसमें आप ऐसा कर सकते हो। बट डायरेक्ट जो एंट्री होती है इसकी, उसका मैं आपको बता देता हूँ शेड्यूल क्या रहता है। तो इसकी जो डायरेक्ट एंट्री होती है, वो आप इसके जो पैरा रेजिमेंटल सेंटर है बेंगलुरु में, जो पैरामेडिकल रेजिमेंटल सेंटर है ना है, वहाँ ये इसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली भर्ती होती है, जो कि छात्रों को बहुत ही कम पता है। तो बेंगलुरु जो है इसके वहीं पर भर्ती की जाती है पैरा रेजिमेंटल सेंटर, और कहीं नहीं होती है डायरेक्ट एंट्री। अब बात करें कि जो बेंगलुरु में डायरेक्ट एंट्री होती है, इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन कब आता है, तो मैं बता दूँ, जो ये भर्ती होती है ये इंडियन पैरा रेजिमेंटल सेंटर द्वारा होती है। तो इसकी जो भर्ती का नोटिफिकेशन है, ये वहीं निकाला जाता है पैरा रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से, इसमें कोई अलग से और डिटेल नहीं दी जाती है। बट जो ये भर्ती होती है पैरा रेजिमेंटल सेंटर द्वारा ही निकाली जाती है, ना कि इंडियन आर्मी द्वारा, क्योंकि इंडियन आर्मी का एक पार्ट है पैरा रेजिमेंटल सेंटर। बट जो ये भर्ती होती है बेंगलुरु में होती है, और जो इसका नोटिफिकेशन आता है कि ये भर्ती कब से कब तक होती है, तो ये रहता है आपका मिड जून जुलाई के बीच में ये भर्ती निकलती है हर बार। ये इसका क्वालिफाइड डेट है कि जून से जुलाई के बीच में ये भर्ती निकाली जाती है। तो अगर ये भर्ती से रिलेटेड कोई भी स्पेशल नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो में यही अपडेट है मेरी तरफ से, कि आप जितने भी छात्र हैं, जितने भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सर कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, रिटन एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, तो उसको लेके पूरे डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई और भी डाउट हो कि इंडियन पैरासेफ में आपकी एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट को लेके मैं बता देता हूँ कि एज लिमिट जो आपकी रहती है वो आपकी 23 तक रहती है आपकी, 18 से 23 तक की आपकी जो एज लिमिट रहती है नॉर्मली। बट आजकल आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी का थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है, जो कि मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी में आप कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो कंपलसरी कर दिया गया है। बहुत सारे छात्रों को पता नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो भी जान लें कि इंडियन आर्मी का नया रूल जारी हुआ है, जिसमें कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम सबसे पहले आपको ऑनलाइन मोड में क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा ले सकते हो। तो इसलिए जो मैं एज लिमिट बता रहा हूँ, अभी तो 18 से 23 ही है पैरा कमांडो भर्ती की जो एज लिमिट है। और रिलैक्सेशन की बात करें, रिलैक्सेशन को लेकर कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो होते हैं नौजवान बच्चों को लिया जाता है, तो रिलैक्सेशन इसमें जैसा कहते हैं ना SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन होता है, बट इसमें ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।